प्लांट किंगडम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए इसको देखिए, जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 का। इसमें क्या दिया हुआ है, इन यूलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा। पहली चीज़ तो आप समझिएगा, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा जो होता है ना, वो एक तरह से एल्गी होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, इन यूलोथ्रिक्स ऑब्लिक स्पायरोगायरा रिडक्शन डिवीजन, और उसमें रिडक्शन डिवीजन जब होता है तो उसको मियोसिस कहते हैं। ठीक है, जो मियोसिस दिया हुआ है, अकर्स एट द टाइम ऑफ, किस टाइम पे होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है गैमेट फॉर्मेशन, बी में दिया हुआ है क्या जूस्पोर फॉर्मेशन, सी में क्या दिया हुआ है जाइगोस्पोर फॉर जर्मिनेशन, डी में क्या दिया हुआ है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो जाइगोस्पोर जो होता है ना, उसके जर्मिनेशन में ऐसा होता है रिडक्शन डिवीज़न। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, 33 का सी। ओके, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, द कॉमन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास इज, क्लेमाइडोमोनास भी क्या होता है, एक तरह का ग्रीन एल्गी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, कॉमन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पता करना है। ठीक, तो इसमें आइसोगैमस होता है क्लेमाइडोमोनास के कंडीशन में, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा। ठीक है, ये भी क्लेमाइडोमोनास भी एक तरह का एल्गी होता है, ग्रीन एल्गी में आता है। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिए 35 का। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या आया है, द प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेशन इन स्पायरोगायरा और फर्टिलाइजेशन ऑफ क्लेमाइडोमोनास इज, तो इसमें जाइगोस्पोर करेक्ट ऑप्शन जाएगा 35 का ए। ठीक है, 36 क्वेश्चन नंबर देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इन क्लेमाइडोमोनास इज। ठीक है, तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो और फ्यूजन होगा दो गैमिट को, तो मतलब दो गैमिट आपस में मिलते हैं ना, तो बॉडी पूरी उसके सेल की फ्यूज होती है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन का क्या कहेंगे, होलोगैमी। ठीक है, तो 36 का क्या जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड, मतलब गलत मैच इसमें कौन सा है। चार ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, तो इसमें से गलत कौन ने मैच किया है उसको चेक करना होगा आपको। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ यूनिफ्लैजिलेटेड गैमेट्स, उसके सामने दिया पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, तो 37 का ए जो है ये रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, तो ये कर लीजिए, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, अगर कोई मेरा वीडियो आप लोग अगर देख रहे हो, कोई लोग भी देख रहे हो जो नीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और उसको बेल आइकन भी प्रेस करें। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करें और ज़रूर दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और लाइक करें, कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। पीट जो बनता है ना, पीट, इसमें कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा वो पहचानना है, तो इम्पॉर्टेंट है ये। और इसमें स्फैग्नम खास करके पीट प्रोवाइड करता है। ओके, चल क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 38 का डी जाएगा। ठीक है, इस फैगनम, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 39, विच
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंजाई, मतलब मल्टी सेलुलर फंजाई उसमें पूछ रहा है, ठीक है। कॉमन इसमें ऑप्शन में जो दिया हुआ है, फिलामेंटस भी, फिलामेंटस एल्गी होना चाहिए एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस, ठीक है। इसमें कई चीज़ को मिला करके है, तो आप देखिए इसको, तो इसमें क्या होता है कॉमन। ऑप्शन ए दिया हुआ डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल, बी दिया हुआ मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी, सी दिया हुआ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और डी ऑप्शन दिया हुआ मल्टी मल्टीप्लीकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो इसमें आप बताएं इसका आंसर, इसमें जाएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाय फ्रेगमेंटेशन, डी करेक्ट जाएगा, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, कोई भी फिलामेंटेड टाइप का जो होगा वो टूटता है, टूटने के बाद में वहाँ से ग्रो कर जाता है, जितने भी पार्ट टूटते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंट टुकड़े में जो जो भी टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, वो अलग अलग पार्ट से नया इंडिविजुअल बनते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ठीक है। 39 का डी करेक्ट है और 40 देखिए, एग्जामिन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिविंग ऑल द फोर पार्ट्स ए बी सी एंड डी राइटली आइडेंटिफाइड। इसमें से क्या चेक करना है आपको, चार ऑप्शन दिए, इसमें चार दिया हुआ ए बी सी डी, और इसमें से राइटली जो राइट है उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ए बी सी डी इसमें मैच करिए, देखिए क्या सही है। ओके चलिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ आर की गोनियो फोर, ठीक है। बी में दिया हुआ फीमेल थैलस, क्या ये फीमेल थैलस होता है, यस, ठीक है। सी में दिया हुआ जिम्मा कफ या गिम्मा कफ भी बोल लोग बोलते इसे, ठीक है, तो ये भी सही है, अच्छा। और डी में दिया हुआ राइजोइड्स, तो राइजोइड्स भी होता है, ठीक है। जो डायग्राम दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग, यानी ए जो दिया हुआ ये फीमेल का आर्किगोनियोफोर होगा, और जो बी दिया हुआ क्या है, फीमेल थैलस, बॉडीज की थैलस होगी पूरी, ठीक है, यहाँ वाली। और सी जो दिया हुआ यहाँ, ये गिम्मा कब होता है इधर पास में, ठीक है, सी के पास गिम्मा कब, ठीक है। और डी में क्या दिया हुआ है, राइजोइड होगा। ओके गाइस, छोटे छोटे रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो यहाँ पे होंगे। तो सारी चीज़ें देखने के बाद में पता चलता है क्या, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो फिगर के अकॉर्डिंग जो अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा करेक्ट जा रहा है, 40 का ए, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब आगे का जो भी है उसे देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन का देखिए, स्पोर डिसेमिनेशन इन सम लिवर वर्ट्स इज एडेड बाय, इस कंडीशन में क्या करेंगे भाई। ऑप्शन ए दिया हुआ है इंड्यूजियम या इसको बोलेंगे क्या, इंड्यूसियम। बी ऑप्शन दिया हुआ क्या, कैलिप्ट्रा। सी में दिया हुआ क्या, पेरिस्टोम टीथ। डी में इलेटर्स। ओके, तो स्पोर जो होते हैं ना, जब लिवर वर्ट के अंदर डिसेमिनेशन प्रोसेस जब होता है इसके अंदर, तो उसमें क्या आएगा, इलेटर्स के कंडीशन में होता है, ठीक। तो यहाँ पे 41 का क्या जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज डी, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, पीट मॉस इज यूज्ड एज ए पैकिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर्स एंड लिव प्लांट्स टू डिस्टेंट प्लेस बिकॉज, भाई मॉसेस कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है,
अब अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी तो इसके अंदर कोई भी प्लांट लेकर जा सकता है इंसान, ठीक है, ताकि उसके अंदर पानी की अवेलेबिलिटी उस प्लांट को मिलता रहे। मतलब कोई फ्लावर ले जाना हो तो उसको पानी की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो सूख ना पाए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन का जो जाएगा तो उसके लिए क्या होगा, हाइग्रोस्कोपिक। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, 42 का सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। इन ए मॉस द स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट क्या होता है भाई मॉस में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो जाएगा, मैंने ऑप्शन बी जाएगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, बीज करप्ट करेक्ट ऑप्शन, इज पार्शियली पैरासिटिक ऑन द गैमेटोफाइट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। द एंथ्रोजॉइट्स ऑफ फ्यूनेरिया आर, तो भाई इसमें जो होता है ना एंथ्रोजॉइट, इसमें इसमें ऑप्शन क्वेश्चन 44 का कौन सा जाएगा, डी जाएगा, ठीक है, बाई सिलिएट। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। ब्रायोफाइट्स कंप्राइज, अब इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा जा रहा है करेक्ट, तो इसमें जाएगा स्मॉल स्पोरोफाइट फेज एंड जनरली पैरासिटिक ऑन गैमेटोफाइट वाला ऑप्शन करेक्ट जाएगा, ठीक है, 45 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के लिए ट्रू देखना भाई। थायराइड बॉडी होती है, हाँ होती है, थायराइड मतलब क्या होगा, जिसमें रूट शूट और लीफ पूरी तरह से ना हो, ठीक है, तो इसको थायराइड कहेंगे, जैसे एल्गी होती है, ठीक, तो ब्रायोफाइट्स भी थायराइड बॉडी को होता है, सही है। और भी देखिए चेक करिए, दे पजेस आर्किगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये भी सही है भाई, दो ऑप्शन सही मिल रहा, तो तीसरा भी होगा सही, इसका मतलब दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, हाँ क्लोरोप्लास्ट होता है जी, यानी सब जा रहा, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, 46 का डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर बिकॉज, क्यों डिपेंडेंट होता है भाई, ताकि जो गैमीट हो ना वो पानी के अंदर पानी में मूव कर सके, कौन सा गैमेट, खास करके मेल गैमेट, तो इसमें ऑप्शन देख लो आप, मेल गैमेट को स्पर्म्स बोल सकते हैं, कैन इजीली रीच अप टू एग इन द आर्किगोनियम, ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए खास करके ऐसा होता है, पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो 47 का साफ साफ क्या पता चलना चाहिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा, बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज दे, क्यों भाई ऐसा क्यों सेपरेट है ब्रायोफाइट्स एल्गी से, तो एक्चुअली उसमें आर्किगोनिया होता है ब्रायोफाइट्स में, ठीक है, तो ऑप्शन इसको कर लीजिएगा, 48 का ए करेक्ट ऑप्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, इसमें चेक करिए। इलेटर मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्सल, यानी जो इस डिस्पर्सल होता है स्पोर का, उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, इलेटर, इलेटर मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्सल इज एक्सिबिटेड बाय, कौन सा प्रोसेस होता है भाई, कौन सा, तो किस में होता है ये, खास करके मार्केंसिया के कंडीशन में मतलब नोटिस किया जाता है, इसमें देखा जा सकता है, तो मार्केंसिया इसमें बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए 49 का बी करेक्ट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 50, 50वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। द प्लांट बॉडी ऑफ मॉस, मॉस में फ्यूनेरिया इज, ठीक है, इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है? तो प्रीडोमिनेंटली होता है गैमेटोफाइट विद स्पोरोफाइट वाला कंडीशन, बी जाएगा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए 51 का देखिए। 51, इन ब्रायोफाइट्स, कौन सा जाएगा? बोथ, ए में क्या दिया हुआ, बोथ जनरेशन आर इंडिपेंडेंट, बी में गैमेटोफाइट्स आर डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट, सी में स्पोरोफाइट कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल, डी में क्या दिया हुआ है, स्पोरोफाइट्स आर डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट। तो भाई 51 का जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी। ओके, चलिए 52 देखिए। प्रोटोनीमा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, प्रोटोनीमा के बारे में देखिए, लाइफ साइकिल किसके लाइफ साइकिल में जाएगा, ये फ्यूनेरिया के कंडीशन में। ठीक है, तो 52 का बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, 53 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस बिकॉज, ये तो बहुत ईजी है, क्यों कहा जाता है भाई, कि इसको पानी की भी ज़रूरत पड़ती है और ये लैंड पे भी रह सकता है। ठीक है, पानी की कब ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होती है तो उस कंडीशन के लिए। ठीक है, तो इसमें 53 का क्या जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए, थैंक यू।